नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। प्यार में अक्सर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। प्यार में लोग अपने रिश्ते और संबंध को भूल जाते हैं। एक महिला प्यार में इस कदर पागल हो गई कि वो अपने प्रेमी के चाहत में अपने हर रिश्ते को कलंकित कर दी और महिला ने अपने 3 साल की मासूम बेटी की हत्या कर उसके शव को एक ट्रॉली बैग में बंद कर घर के पीछे झाड़ी में फेंक दिया। दरअसल 23 अगस्त को एक महिला अपने घर से लापता हो गई और लापता होने के बाद उसके पति थाना में सूचना दिए कि शायद उसके पति और बच्चे लापता हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस लापता महिला के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा और सर्विलांस से पुलिस इस मामले का उद्भेदन करने लगी। दरअसल आपको बता दें कि यह सच्ची घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां एक मां ने ही अपने प्रेमी के चाहत में 3 साल के बेटी की हत्या कर उसके शव को ट्रॉली बैग में बंद कर फेंक दिया। और इसलिए उस मां ने अपनी बेटी की हत्या की क्योंकि प्रेमी ने उसे कहा था कि तुम अकेले आना, बेटी को साथ नहीं लाना। इसलिए मां ने क्राइम पेट्रोल सीरियल को देख करके अपने बेटी की हत्या की योजना बनाई और बेटी की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगा दी और इस तरह से ठिकाने लगाई कि समाज आज उस मां पर थू-थू कर रहा है कि आखिर ये मां कैसी थी जो सारे रिश्ते को कलंकित कर दी। दरअसल ये पूरी घटना मुजफ्फरपुर की है और मुजफ्फरपुर में पिछले 24 अगस्त 2024 शनिवार को मिठनपुरा थाना अंतर्गत रामबाग स्थित जानकी वल्लभ शास्त्री लेन में घर के पीछे झाड़ी से लाल रंग के ट्रॉली बैग में 3 साल के मिष्टी का शव मिला था। दरअसल मिष्टी के पिता मनोज लाल हैं और उनकी मां काजल कुमारी है। मनोज मिठाई फैक्ट्री में हलवाई का काम करते हैं और शुक्रवार से उनकी पत्नी और बच्चे लापता थे। लापता होने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद अगले ही दिन 24 तारीख को लाल रंग के ट्रॉली बैग में 3 साल के मिष्टी का शव बरामद हुआ और पुलिस ने सोमवार को मिष्टी हत्याकांड का खुलासा कर दिया और मिष्टी की मां काजल को उसके प्रेमी के घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि काजल अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और प्रेमी ने यह कहा था कि तुम अकेले आना, बेटी को साथ मत लाना। इसलिए काजल ने 3 साल की मिष्टी की हत्या की और घर से फरार हो गई। मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने बताया कि काजल अक्सर क्राइम पेट्रोल देखा करती थी और इस सीरियल के 1-2 एपिसोड में हत्या कर शव को ट्रॉली बैग में रखकर फेंकने का तरीका उसने इसी क्राइम पेट्रोल से सीखा। इसके बाद उसने बेटी की चाकू से गला काटकर हत्या की और फिर पुलिस की पूछताछ में काजल ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। काजल ने छत से ट्रॉली बैग को घर के नीचे फेंक दिया था और सबूत मिटाने के लिए छत और अपने कमरे को अच्छे से धो दिया था। इसके बाद वो घर से भाग गई। वहीं सिटी एसपी ने बताया कि एफएसएल की टीम ने घर से कई सबूत इकट्ठा किए, इससे यह स्पष्ट हो गया था कि काजल ने ही अपनी बेटी की हत्या की है। दरअसल काजल का फोन शुक्रवार शाम से ही बंद था और पुलिस ने महिला के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर रखा था। उसका आखिरी लोकेशन रामपुर हरी थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी रोड में ट्रेस किया गया था और यही पल काजल अपनी प्रेमी के साथ रहती थी। सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने बताया कि हत्या में प्रेमी शामिल नहीं था और काजल खुद अपनी बेटी की हत्या की थी और हत्या करने के बाद वो अपने प्रेमी के पास रहने के लिए चली गई थी। दरअसल 2019 में काजल और मनोज की शादी हुई थी। मनोज अपनी पत्नी काजल और बेटी मिष्टी के साथ किराए के मकान में रहते थे और यहीं पर काजल का भाई भी रहता था। मनोज जो है वो एक मिठाई फैक्ट्री में हलवाई का काम करता था। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच के दौरान काजल के कमरे से खून लगा हुआ कपड़ा और बेडशीट बरामद किया था, जिसके बाद प्रेमी के घर से काजल को गिरफ्तार किया गया और काजल ने अपना जुर्म स्वीकार किया कि उसने ही अपनी 3 साल की मासूम बेटी मिष्टी की हत्या कर सबको छत के नीचे से फेंक दिया था। और अगले ही दिन
ट्रॉली बैग में सब बरामद हुआ था। पिता को भी यह शक था कि उसकी पत्नी ने ही उनकी बेटी की हत्या की है, क्योंकि अक्सर उनके चरित्र को देखकर पति भी हैरान रहते थे, इसलिए उन्हें संदेह था कि उनकी पत्नी ने ही उनकी बेटी की हत्या की है। और पति के द्वारा मिठनपुरा थाने में आवेदन दिया गया था। आवेदन मिलने के पश्चात पुलिस के द्वारा त्वरित इसका निष्पादन किया गया और त्वरित तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी मां को गिरफ्तार किया है। अब आप इस खबर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आपके मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है, खासकर के बिहार में ऐसी घटनाएं ज्यादा घटती है, जहां अपने प्यार को पाने के लिए लोग अपने रिश्ते और अपने संबंध को भूल जाते हैं, जैसा कि आपने भी देखा इस घटना में कि एक मां और बेटी का रिश्ता कलंकित हुआ, कि कैसे एक मां अपनी 3 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी, वो भी क्राइम पेट्रोल सीरियल को देख करके।